हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम बाबा के बारे में, आखिर उनका पूरा सच क्या है। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम बाबा का पूरा सच यह है, बागेश्वर धाम बाबा का असली नाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है। वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के एक हिंदू संत और तांत्रिक है। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की है और उनकी बागेश्वर धाम बाबा के बारे में कई विवाद है, जिनमें से कुछ प्रमुख विवाद इस तरह हैं। तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग, कुछ लोग उन पर तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करने और लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हैं। पैसे की मांग, कुछ लोग उन पर पैसे की मांग करने और लोगों को ठगने का आरोप लगाते हैं। अंधविश्वास फैलाना, कुछ लोग उन पर अंधविश्वास फैलाने और लोगों को तांत्रिक शक्तियों के नाम पर डराने का आरोप लगाते हैं। धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या का विवाद, उन्होंने कुछ धार्मिक पुस्तकों की व्याख्या की जिसे कुछ लोगों ने विवादित बताया है। विवादित बयान, उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए हैं जिन्हें कुछ लोगों ने आपत्तिजनक बताए। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह विवाद कुछ लोगों के दावे और उन्हें साबित नहीं किया गया। बागेश्वर धाम बाबा के समर्थकों का दावा है कि यह आरोप निराधार है और उन्हें बदनाम करने के लिए किए गए। समस्याओं का समाधान किया है, लोग उन्हें उनकी तांत्रिक शक्तियों और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता के लिए जानते हैं। हालांकि उनके बारे में कुछ विवाद भी हैं, कुछ लोग उन पर तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करने और लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। इसलिए बागेश्वर धाम बाबा के बारे में पूरा सच यह है कि वह एक तांत्रिक संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की, लेकिन उनके बारे में कुछ विवाद भी हैं। बागेश्वर धाम बाबा से जुड़े कई चमत्कार हैं, जिनमें से कुछ चमत्कार इस तरह हैं। बीमारियों का इलाज, लोगों का दावा है कि बाबा की तांत्रिक शक्तियों ने इससे उन्होंने बीमारियों से मुक्ति मिली है। समस्याओं का समाधान, लोगों का दावा है कि बाबा ने उनके समस्याओं का समाधान किया, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आदि। तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन, बाबा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रदर्शन किया है, जैसे कि हवा में उड़ना, आग में जलने से बचाव आदि। भविष्यवाणी, लोगों का दावा है कि बाबा ने उनके भविष्य के बारे में सही भविष्यवाणी भी की है। आत्माओं की शांति, लोगों का दावा है कि बाबा ने उनके ऊपर परिवार की आत्माओं को शांति प्रदान की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यह चमत्कार लोगों के दावे हैं और उनके साबित नहीं किया गया है। कुछ लोग उन्हें अंधविश्वास मानते हैं जबकि यह लोग उन्हें सच मानते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें सच मानते हैं। बागेश्वर धाम में नारियल की अर्जी लगाने की भी प्रक्रिया है दोस्तों। सबसे पहले एक नारियल खरीदें और उसे साफ कर लें। नारियल पर अपना नाम लिखें, अपने परिवार के सदस्यों के नाम और अपनी मनोकामना लिखें। बागेश्वर धाम में जाएं और नारियल को बाबा के चरणों में रख दें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना कहें। अब नारियल को बाबा के मंदिर में रखे गए एक विशेष स्थान पर रख दें जहाँ अन्य भक्त भी अपने नारियल रख रहे हैं। दोस्तों, पूजा करने के बाद प्रसाद लें और अपने घर वापस जाएं। घर जाकर नारियल को एक सुरक्षित स्थान पर रख दें जहाँ वह टूटे नहीं। अब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो नारियल को किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। यह प्रक्रिया बागेश्वर धाम में नारियल की अर्जी लगाने के लिए, ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया व्यक्तिगत विश्वासों और परंपराओं पर आधारित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बागेश्वर धाम बाबा की नेटवर्थ कितनी है और वो एक कथा का कितना पैसा लेते हैं, ये जानना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बाबा बागेश्वर धाम में भोजपुरी एक्ट्रेस आशीर्वाद लेने आई थी। अक्षरा सिंह की टोटल नेटवर्क की बात करें तो एक्ट्रेस 25 करोड़ की मालकिन। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा बागेश्वर की नेटवर्क 19.50 करोड़ रुपए है। वो कथा, प्रवचन और मन की बात पढ़कर कमाई करते हैं। लाखों सनातनी लोगों के विश्वास से बाबा को हर साल काफ़ी चढ़ावा भी मिलता है। अनुमान के मुताबिक बाबा की एक कथा 15 दिन तक चलती, जिसके लिए उनकी फीस करीब 1 से 1.5 लाख रुपए है। बाबा बागेश्वर हर महीने 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं। वहीं रोजाना करीब 8,000 रुपए कमाते हैं। बाबा के पास उनका अपना एक पुराना घर है, गदा और एक प्याला है जो वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। बाबा लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वे पहले ही उससे कागज़ पर लिख देते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार का कहना है कि ये ध्यान विधि का नतीजा है जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। अपनी शक्तियों के जरिए वो भक्ति की समस्या जानकर उसे कागज़ पर लिख देते हैं। हनुमान जी की कृपा से वह सही हो जाता है। हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला यह मुकदर हमेशा बागेश्वर महाराज के साथ रहता है। उनका कहना है कि इसी मुकदर से उन्हें शक्तियाँ मिलती हैं।
दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें ये जरूर बता दीजिएगा कि आप कभी बागेश्वर धाम गए हैं या नहीं गए हैं।